हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि अभी तक की वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर साइज बैनर बनाए थे जो कि हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपलोड करते हैं, बट जब बात आती है वेबसाइट की तो उसके लिए भी हम लोग बैनर्स बनाना सीखेंगे, बिकॉज एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हम लोगों को हर टाइप के बैनर्स बनाना आना ही चाहिए। बट इट डजेंट मीन कि स्क्वायर साइज बैनर्स हम नहीं बनाएंगे, हम वो भी बनाएंगे और साथ के साथ हम वेबसाइट के लिए भी बैनर्स बनाना सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड आफ्टर एन इंट्रो। सो हेयर एज यू कैन सी दैट कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक इमेज ओपन करके रखा हुआ है एंड मैंने इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव करा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं बाय यूजिंग पेन टूल, सो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी आपको दे दूंगा, ठीक है? तो मेरे पास ये एक इमेज है और मेरे पास कुछ कंटेंट है जो कि नॉर्मली हमें मिलता है। हमारा जो मेन कंटेंट, जो मेन हेडिंग है वो आएगी हमारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और उसका जो नीचे लाइंस आएंगी वो होंगी कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव एंड इंटीरियर डिज़ाइन सॉल्यूशंस एंड सो ऑन। और एक बटन आएगा शॉप नाउ के नाम से, जो वेबसाइट बैनर का साइज़ रहेगा वो रहेगा 1024x300, ठीक है? सो हम यहाँ पर न्यू फाइल लेते हैं, तो यहाँ पर 1024x300 हम ले लेते हैं। हम एक काम करते हैं, जो हमारा साइज़ होता है हम उसका डबल साइज़ लेते हैं ताकि हमारी जो क्वालिटी है इमेज की वो ख़राब ना हो। तो हम क्या करेंगे, 1024 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से जिससे कि डबल हो जाएगा, और 300 को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने जो हमारे जो साइज़ है उससे हम डबल साइज़ लिया जिससे कि हमारी इमेज की क्वालिटी ख़राब ना हो, तो इस साइज़ में आ जाएगा आपके पास, ठीक है? तो सबसे पहले हम अपनी जो PNG को है ले आते हैं अपने फाइल में और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ठीक है? इसको छोटा करते हैं, सेट कर देते हैं जहाँ पे भी सेट हो रहा है अच्छे से वहाँ पे आप सेट कर देना, ठीक? तो हमारा जो डिज़ाइन रहेगा वो बहुत क्लीन और एलिगेंट लुक देगा, हम बहुत क्लीन रखेंगे उसको, उसमें ज़्यादा बैकग्राउंड में ज़्यादा चीज़ें डालेंगे नहीं, क्योंकि सोफ़ा भी जो है वो बहुत क्लीन सा लुक दे रहा, क्लीन कलर उसका अच्छा है, ग्रे कलर है एंड उसके जो कुशंस का कलर्स है वो ग्रीन है। तो हम सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, इमेज जो हमारी होती है लोगों के हिसाब से हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास लोगो तो नहीं है, तो हमारे पास जो इमेज है, जो मेन हमारा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के हिसाब से हम अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सोफ़े का कलर है या फिर जो ग्रीन कलर है, इन दोनों में से हम कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। तो पहले बैकग्राउंड का हम कॉपी ले लेते हैं और यहाँ पर हम बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। हम बेसिकली ग्रीन कलर नहीं लेंगे, हम ग्रे कलर लेंगे और इसका थोड़ा सा लाइट वर्जन लेंगे। अगर यही कलर लेंगे तो हमारा सोफ़ा छुपने लगेगा, तो इसका थोड़ा सा हम लाइट वर्जन ही लेंगे जिससे कि वाइट से वो बेटर ही लगे। इसको डिलीट कर देते हैं, यहीं पर हम इसको ऑल्ट बैक स्पेस से हम इसको कलर दे देते हैं, तो वाइट से थोड़ा सा अलग जा रहा है ये, ठीक है? हम और क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम अपना कंटेंट लेके आते हैं। तो कंटेंट जो है हमारा मेन हेडिंग जो है वो है हमारी इंटीरियर डिज़ाइन, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और अपना जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। नॉर्मली अभी वाइट बैकग्राउंड है तो ऑब्वियसली टेक्स्ट जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आई डोंट नो ये क्यों नहीं आया, आई थिंक ये सेलेक्ट नहीं था, तो ब्लैक कलर दे देते हैं हम इसको एंड थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इंटीरियर डिज़ाइन, ठीक है? एंड इसको कैपिटल में दे देते हैं यहाँ से। अब काम क्या करते हैं, हमें बेसिकली कंटेंट को प्रोडक्ट के हिसाब से, मतलब कंटेंट जो है हमारा वो प्रोडक्ट को रिलेट करे कहीं ना कहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रेगुलर से हटा करके हम लाइट कर देते हैं, ठीक है? और इंटीरियर को
हम मेन उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उसको हम एक्स्ट्रा बोल्ड कर देंगे, और साथ की साथ प्रोडक्ट से कनेक्ट करने के लिए हम इसी प्रोडक्ट का कोई एक कलर उठा लेते हैं। तो हमारे पास दो कलर्स हैं, सिल्वर है, सॉरी ग्रे है, और हमारे पास लाइट ग्रीन कलर है। तो अगर हम लाइट ग्रीन कलर लेंगे तो फिर वो इतना जचेगा नहीं, उसको थोड़ा सा हम डार्क कर देते हैं ताकि वो प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं रिलेट करे। ठीक है, तो इतना सही है हमारा। ओके प्रेस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा मेन हेडलाइन जो था वो आ गया। अब इसका जो नीचे का पार्ट है वो हम ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी करा एंड एक पैराग्राफ बना देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। वाइट कलर है, ब्लैक कलर ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल्ड है, नॉर्मल रेगुलर में हम देंगे इसको, और छोटा कर देंगे। ठीक है, इतना। अभी बहुत छोटा है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देंगे। और दूसरा ये कि सारे कैपिटल में है तो स्मॉल कर देते हैं हम इसको। अब बड़ा करके देखते हैं, अब सही है। ठीक है, बेसिकली मेन बात ये होती है कि अगर आपको अपना कंटेंट प्रोडक्ट से कनेक्ट करवाना है तो हमें प्रोडक्ट का जो कलर्स होते हैं उसको हम लेके चलेंगे। एक हाँ, नॉर्मली हम दो कलर्स लेके चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको फॉन्ट में भी बताया था कि फॉन्ट में हम क्या करते हैं। बेसिकली फॉन्ट में हम दो मैक्स टू मैक्स दो फॉन्ट्स लेते हैं जिससे कि हमारा डिज़ाइन सही रहे। दो से ज़्यादा फॉन्ट लेंगे तो ख़राब होने लगेगा डिज़ाइन, या अगर एक ही फॉन्ट लेना है तो उसी फॉन्ट की फैमिली यूज़ करें हम। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोल्ड दिया है और इसी का लाइट वर्जन दे दिया है, और उसी फॉन्ट का हम मैंने यहाँ पर रेगुलर वर्जन दे दिया है, तो मैंने सेम फॉन्ट यूज़ करा है हर जगह जिससे कि परफेक्ट लगे, जिससे कि पूरा बैलेंस बना रहे। ठीक है, अब हमारे पास अगली चीज़ क्या है, यहाँ पर हमें एक शॉप नाउ का बटन देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक शॉप नाउ का बटन बना लेते हैं यहाँ पर। अब बटन अगर मैं स्क्वायर में बनाऊंगा तो स्क्वायर में इतना बढ़िया नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सोफ़ा जो है वो थोड़ा सा कर्व होता है, तो बटन को भी हम कर्व थोड़ा सा करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसको कर्व बटन दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हम देख देते हैं शॉप नाउ, और शॉप नाउ को हम वाइट कलर देंगे क्योंकि वाइट ही ज़्यादा बेटर लगेगा उस बैकग्राउंड के हिसाब से, और इसको बोल्ड दे देंगे। ठीक है, और इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ले आते हैं ताकि आपको दिखता रहे कि हो क्या रहा है। इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ दोनों को पकड़ के, छोटा करता हूँ क्योंकि मेरे को वाइट स्पेस ज़्यादा दिखाना है, क्लीन लुक दिखाना है थोड़ा सा, और छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। वाइट स्पेस अगर जितना होगा उतना अच्छा है, उतना क्लीन एलिगेंट लुक दिखेगा वो आपका। ठीक है, सोफे को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन तो हो गया रेडी, बट अभी भी थोड़ा सा ये डिज़ाइन आने तो लगा है, बट थोड़ा सा अभी भी कुछ ना कुछ कमी है। बैकग्राउंड हमें बहुत खाली खाली सा लग रहा है, पर उससे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक हेडिंग के नीचे ही हम एक छोटी सी 1 पिक्सल की लाइन दे देते हैं। ठीक है, मैं इसको पूरा नहीं दूंगा, मैं इसको आई तक ही रखता हूँ या एस तक रखते हैं, और 1 पिक्सल की ही लाइन दें, पतली सी लाइन देनी है और ब्लैक कलर की। ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा हेडलाइन पे भी गौर जाए, और गैप बहुत कम है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन या आई तक ले लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा, एंड मेक श्योर कि सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही अलाइनमेंट में रहें, जो भी हमने सेलेक्ट करा उसको लेफ्ट अलाइन कर ले सबको। तो लेफ्ट अलाइन देखिए बराबर हो गया आपका।
ठीक है, अब आती है बैकग्राउंड की बारी। बैकग्राउंड अभी हमें थोड़ा थोड़ा सा खाली सा लग रहा है, तो हम इसमें मैं आपको दो ऑप्शंस दिखाता हूँ कि हम बैकग्राउंड में क्या क्या डाल सकते हैं। हम सबसे पहले शेप्स का यूज़ करते हैं। शेप्स, अब आप इसमें कुछ भी शेप डालिए बैकग्राउंड के पीछे, वो अच्छी ही लगेगी, क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्टली अलाइन है, तो इसलिए जो भी आप शेप डालें वो अच्छी ही लगेगी। ये एलिप्स को मैं पीछे ले जाता हूँ सबसे, और इसको कलर दे देता हूँ यही ग्रीन, क्योंकि मैं ग्रीन के साथ खेल रहा हूँ, तो ग्रीन कलर ही मैं दूंगा। और ये अभी बहुत डार्क है, तो हम इसकी ओपेसिटी ऑब्वियसली कम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी एक शेप दी है मैंने यहाँ पर, तो बिल्कुल ये अलग लुक आने लगा है। विदाउट शेप देखिए और विद शेप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं, और इसको और परफेक्ट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यही शेप एक बार और यूज़ कर लीजिए, पर उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट दिखाइए। तो देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर लुक आ रहा है। तो ये तो था एक पार्ट, मतलब शेप्स का यूज़ करके हम बैकग्राउंड को थोड़ा सा इनोवेटिव दिखा सकते हैं। दूसरा हम काम क्या कर सकते हैं, जो मेन बैकग्राउंड है हमारा, उसको हम एक बार कॉपी ले लेते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। अब ग्रेडियंट हम कैसा अप्लाई करेंगे, बिल्कुल लाइट ग्रेडियंट होगा। यहाँ पर मेरा डार्क ग्रेडियंट सेलेक्टेड था, तो इसलिए वो डार्क दिखा रहा थोड़ा सा। ग्रेडियंट हम बिल्कुल लाइट लेंगे, एटलीस्ट वाइट से थोड़ा सा अलग रहेगा। ये देखिए ग्रेडियंट हमने लाइट लिया है, तो फिर उससे अच्छा लगने लगा है। इसको थोड़ा सा लाइट और ले लेते हैं। ठीक है, और दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें मान लीजिए कोई शेप यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, हम एक काम करते हैं, इन शेप्स को हम हाइड कर देते हैं। अब दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, अब एक सबसे अच्छी सी मैं आपको दिखाता हूँ टाइपोग्राफी के हिसाब से। अब मान लीजिए ये आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग का है, ठीक है, तो मैं इसमें जो मेन हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, सोफ़ा, तो हम सोफ़ा का जो एस वर्ड है, जो स्टार्टिंग वर्ड है एस, उसको हम लेकर के कुछ डिज़ाइन बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, मैं पहले एस लिख लेता हूँ, उसको कैपिटल बड़ा कर देता हूँ, पर मैं इस फॉन्ट में नहीं लूँगा एस को, मैं फॉन्ट यहाँ पर चेंज करूँगा। मेरे पास एक फॉन्ट है क्रिस्टोफर रेगुलर, मैं इसको बड़ा कर दूँगा, और इसका कलर जो है वो सेम यही ग्रीन दूँगा। ठीक, अभी तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मैं इसको बड़ा करता हूँ। आई थिंक थोड़ा सा स्लो है मेरा सिस्टम, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, बहुत बड़ा हो गया। मैं एरो से इसको सेट करता हूँ यहाँ पर, अभी ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा एस है इसकी ओपेसिटी मैं नीचे कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। तो देखिए कितना प्रो लुक आने लगा है यहाँ पर, और इसी का डिज़ाइन मैं यहाँ पर एक ले आऊँगा, एस का उल्टा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, या एक काम कीजिए इसको आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। तो आपके पास बहुत सारे मतलब क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, आप वो सब अप्लाई करके देखिए क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले डिज़ाइन जो मेरा था, इसको थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम कर देते हैं, बहुत लाइट रखना है हमने। तो हमने जो पहला बनाया था वो बनाया था शेप्स के साथ, और दूसरा जो बनाया था वो हमने बनाया था एक पर्टिकुलर अल्फाबेट के साथ। ठीक है,
और इसमें अब मेन बात ध्यान रखने की क्या है, सबसे पहले तो ये कि सब कुछ बैलेंस रहे। बैलेंस कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने बैलेंस कैसे रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि मेन हेडलाइन और जो हमारा नीचे का कंटेंट है उसके बीच का गैप और कंटेंट और हमारे जो बटन का गैप है वो सेम है। अगर मैं कंटेंट को ऊपर कर देता हूँ ना, तो फिर ये चीज़ एक लगने लगेगी या अलग हो जाएगी। तो मेरे को तीनों को ही हाईलाइट करना है, तो मैं तीनों में बराबर का गैप दे दूंगा जिससे कि तीनों अलग अलग लगेंगे। ठीक है, दूसरी बैलेंसिंग मैंने क्या करी है, ये जो मेरा पूरा का पूरा कंटेंट है और जो मेरा प्रोडक्ट है दोनों को मैंने बराबर रखा है। अगर मैं अपने प्रोडक्ट को छोटा कर दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, या फिर मैं मेरा जो ये कंटेंट है मैं इस पूरे कंटेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। या फिर ये जो कंटेंट है मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ या छोटा कर देता हूँ या बहुत बड़ा कर देता हूँ, तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। मान लीजिए छोटा कर देता हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ी सी कमी है, ये ज़्यादा है, इस पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है, इस पे कम जा रहा है। तो मेरे को दोनों पे बराबर का ध्यान देना है, तो मैं दोनों को बैलेंस करने के लिए दोनों को बराबर रखूँगा इस टाइप से। ठीक है, इसमें लास्ट चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इसमें लास्ट चीज हम अपना एक कलर लुकअप देंगे अच्छा सा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया फॉन्ट है, कितना बढ़िया सॉरी कलर लुकअप है यहाँ पर आया है, कलर की अलग ही इनोवेशन हो रही है यहाँ पर, तो देखा। और अगर आपको थोड़ा सा कलर और डल लग रहा है तो आप यहाँ पर कलर लुकअप के आगे एक्सपोजर भी दे सकते हैं, एक्सपोजर आप दे दीजिए अगर आपको देना है तो। हालांकि मेरे को कलर लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर देखें कितना बढ़िया क्लीन और एलिगेंट लुक दे रहा है यहाँ पर। तो ऐसे हम अपना बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा, आपने देखा होगा मोस्टली आपने यहाँ पर देखे होंगे कि यहाँ पर बटन्स होते हैं, यहाँ पर बटन्स होते हैं जिससे कि नेक्स्ट नेक्स्ट जो बैनर्स आते हैं वो मूव ऑन होते रहते हैं, और नीचे भी छोटे छोटे बटन्स होते हैं, तो हमें उसके हिसाब से भी बनाने पड़ते हैं बैनर्स कि वो बटन के ऊपर कुछ ना आए, क्योंकि बटन के ऊपर आएगा तो बटन हमें या तो शो नहीं होगा या प्रोडक्ट पूरा शो नहीं होगा, तो उसमें भी गड़बड़ होने लगती है, तो हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये पर्टिकुलर जो मैंने बैनर बनाया है तो मैंने उसके हिसाब से ही बनाया है कि मेरा बटन अगर यहाँ पर आता है और एक यहाँ पर आता है तो वो बटन भी शो होता रहे, साथ के साथ हमारा प्रोडक्ट भी शो होता रहे, और नीचे हमारे जो मेन वो आते हैं टैब्स आते हैं तो वो टैब्स भी हमारे यहाँ आते रहेंगे, और लोगो और हमारे वेबसाइट लिंक तो यहाँ पर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली कि लोगो तो हमारा टॉप होता है, टॉप पे होता ही है वेबसाइट का, और वेबसाइट लिंक, वेबसाइट तो खोली हुई है तो वेबसाइट का लिंक क्यों देंगे। तो बैनर डिज़ाइन जो होता है वेबसाइट के लिए वो सिंपल हमारा कंटेंट और प्रोडक्ट होता है और एक बटन, तो ऐसे हम बैनर डिज़ाइन करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, बहुत हाईलाइट हो रहा है। सो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, एंड अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ वो भी बताइए, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो वो भी आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन आर चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर चैनल डेस्पिक्स, एंड फॉर मोर कंटेंट कीप वॉचिंग डेस्पिक्स। थैंक यू सो मच।